नाउ देखो व्हाई आई हैव टेकन अप दिस क्वेश्चन नंबर 6। देखिए आपका नाम क्यों अभी आपका नाम, ये दो चीजें अभी आपका बताएगा आपको नाम। देखो एक तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या मिडिल टर्म एक्सप्रेशन को बता सकता है। देखिए आपका नाम यस, तो सॉल्यूशन नंबर आपका नाम देखो जैसा, ये आपका थर्ड का सिक्स पार्ट मैंने लिया, ये तो आपने इसका आंसर आपने बता ही दिया। इसका जो आ रहा है पूरा 273 आ रहा है, इज इट क्लियर? एस 13 का आपका नाम देखो दस। ओके आपने एन निकाला है इसमें, तो नाम देखो लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी एंड स्मॉल डी इज इट्स कॉमन डिफरेंस। ये आपने लिखा सर, आपका देखो नाम दस सर, जो गिवन है, गिवन में देखो आपका ए इज इक्वल टू आपका देखो ना फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू दैट इज द कॉमन डिफरेंस आपका ना 8। एस एन इज इक्वल टू ये देखिए आपका ना सम ऑफ nth टर्म और एस एन सम ऑफ nth टर्म आपको दिया हुआ दिस इज द 9। अब आपका देखो ना दिस टू फाइंड आउट आपने करना एन ए यानी कि दिस इज द नंबर ऑफ टर्म्स आपने करनी है और उसके बाद ए एन इसका मतलब nth टर्म या यू कैन ऑल्सो से टू लास्ट टर्म ये आपको फाइंड आउट करना। अभी क्वेश्चन मेरा लेने का आपको क्लियर पता लग जाएगा। देखो इसका मतलब सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को ये क्लियर करना चाहिए, फर्स्ट टर्म दिया है कॉमन डिफरेंस दिया और एस एन दिया है। यहाँ पे बात ये आती है कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे सबसे पहले दिमाग में। एग्जाम्पल अब आपका नाम ई, यहाँ पे आपका बिल्कुल आपने सा कहा, यहाँ पे इनफाइनाइट ए पी का फॉर्मूला आप यूज करेंगे, तो नाम देखो दिखा सम ऑफ एन पटम एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टू। ये आपने किया सर, एस एन का मतलब व्हाट इज दैट 90 इज इक्वल टू एन बाई टू है ही नहीं, आपको निकालना 2 इंटू ए इज व्हाट ए इज आपका 2 प्लस एन यू हैव टू फाइंड आउट एंड डी आपका कॉमन डिफरेंस होगा कितना। तो यहाँ पे 90 इज इक्वल टू देखो आपका एन बाई टू इधर 2 जा 4 देख रहे हैं आपका इधर 4 प्लस आपका 8 इंटू एन माइनस 1 देख रहे हैं आप ये 2 था 4 8 को मैं आगे लिया यहाँ पे ठीक है ना। ये देखो 2 कॉमन ले लो आपका लेफ्ट हैंड साइड सॉरी राइट हैंड साइड में आपका डाल। मैथमेटिक्स का मतलब ही आपका टू मेक मिनिमम, नहीं भी करते तो भी निकल लेंगे। देखो इससे फिगर छोटी आ जाएगी, देखो एन बाई टू इंटू देखो ये 2 ये 2 आपने यहाँ से लिया क्योंकि देखो 2 सा था और देखो 2 4 था तो 2 कॉमन आ गया, यहाँ बचा देखो 2 प्लस यहाँ देखो 4 एन माइनस 1 2 से 2 देखो कैंसिल 90 इज इक्वल टू देखो एन आपका देखो 2 प्लस 4n और माइनस 4 4n जा 4n एन प्लस माइनस के मतलब 4 बन जा 4 आपका देखो 90 इज इक्वल टू देखो आपका n आपका देखो 4n और माइनस आपका 2 लाइक टर्म दिस माइनस 4 इज मोर देन दिस प्लस 2 आपका अब आप अंदर जाएगा 90 इज इक्वल टू n 4n जा 4n स्क्वायर और माइनस आपका देखो कितना 2 अभी भी ये देखो अभी भी आप क्या करेंगे अगर आप देखो 2 कॉमन ले लेंगे तो देखो आपका ना ये 90 इज इक्वल टू आपका देखो 2 कॉमन लिया अंदर आपके पास देखो 2 एन स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा 2 जो 4 2 एन होगा ना 2 एन 2 इन 2 एन था ब्रैकेट के बाहर है अंकल ये एन एन जा एन स्क्वायर और ये आपका ये हो गया 2 एन है ना ठीक है। अब आपका ये एन आ गया ठीक है 2 से ये आपका एक्चुअल में 90 ए ये ऐसे आएगा ये 90 बाई 2 ऐसे आएगा तो नाउ इज इक्वल टू 2 एन स्क्वायर मैंने इसको काट दिया आपका देखो नाउ ठीक है ये आपका बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका हो गया तो दिस तो 2 एन स्क्वायर माइनस एन आपका देखो नाउ और ये इक्वल टू आपका 45 यहाँ पे स्वाइपिंग भी हमने कर स्वाइपिंग में लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट में जाता है तो अंडरस्टूड हो जाता है कि साइन चेंज हुए आपका नाउ अब देखो नाउ 2 एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 40 चेक कर लीजिएगा कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही। देखो आपका नाम बता दीजिए माइनस 45 है जी 45 जी
आपने 4n अच्छा 45 जी ये हो गया सर। अब यहाँ दो चीजें आपकी हो सकती हैं, एक तो पहले आपका आप आईडी चेक करते हैं, आईडी तो लग नहीं सकती, ए स्क्वायर माइनस टू आईडी नहीं है, तो दूसरा आपके पास मिडिल टर्म स्प्रेडिंग, और मिडिल टर्म स्प्रेडिंग भी अगर आपका फेल हो गया तब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी होती है, अभी आपको चेक करना पड़ता है। तो बार अगर आपको बिल्कुल बहुत क्लियर नॉलेज है तो देखो पहले आपका मिडिल टर्म स्प्रेडिंग हम करते हैं। आप यहाँ पे कई बच्चों को मैं बता दूँ ये आपके नाम दे दे सर ये फॉर्मेट ऑफ मिडिल टर्म स्प्रेडिंग होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। चलो हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चन, यानी कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ मिडिल टर्म स्प्रेडिंग के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, फर्स्ट देखो ए मल्टीप्लाई विथ सी एंड मेक प्रोडक्ट, यानी कि द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए मल्टीप्लाई विद योर कॉन्स्टेंट टर्म एंड मेक इट प्रोडक्ट। अब इसके बाद आप बना देखो दिस प्रोडक्ट जब आपका आ गया ये वाला इसको आप फैक्टराइज कर दीजिए, और जब आप फैक्टराइज कर चुके हैं आपका ना देखो व्हेन यू हैव डन द फैक्टराइजेशन आपके फैक्टर्स आए फैक्टर्स, और जब आपके यू गॉट द फैक्टर्स यू रिसीव द फैक्टर्स फैक्टर्स को आपका देखो एडजस्ट बाय मल्टीप्लाई विद प्लस या माइनस करके प्लस और माइनस करके टू ब्रिंग मिडिल टर्म लाना पड़ता है आपको बी एक्स a multiplied with c आपका देखो फर्स्ट तो 2 into 45 is equal to आपका क्या है this is the product। अब आपका देखो ना this ना product जो आपका आया second step में आपको what you have to do factorize तो ना 2 45 है 3 15 है 3 5 कभी कभी 5 बन जा भी करना पड़ जाता है, तो ये आपने क्या किया product को आपने factorize कर दिया, ये प्रोडक्ट आया प्रोडक्ट को आपने क्या कर दिया फैक्टराइज। देखो थर्ड स्टेप में व्हेन यू हैव डन द फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन के बाद आपके क्या है फैक्टर्स फैक्टर्स आपके देखो 1 2 3 3 5 वन भी कभी कभी लेना पड़ जाता है इससे दैट्स व्हाई आई हैव टेकन वन। अब आपको देखो फोर्थ नंबर पे आपने क्या करना है देखो एडजस्ट लुक सर इनको एडजस्ट करना है आपने कि आपका देखो ना दिस तो 3 3 3 3 9 और 5 2 10 1 10 तो देखो एडजस्ट किया आपने माइनस का 10 आपका देखो ये लाने आपको ब्रिंग तो माइनस के 10 में से देखो माइनस के 10 में से अगर प्लस का 9 आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस का 1 आएगा, और ये माइनस का 10 और माइनस का 9 प्लस का 9 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो माइनस का 9 दिया आएगा, देखो यहाँ देखिए 2 45 90 तो माइनस ये माइनस साइन है देखो तो माइनस प्लस का देखो आपका माइनस प्लस का माइनस पीछे का साइन आ गया नॉट इट तो दिस इज द प्रोसीजर आपका नाम देखो मिडिल टर्म स्प्रेडिंग। अब आप करेंगे इसका मतलब 2n² माइनस 10 है प्लस 9 है माइनस 45 इक्वल टू जीरो माइनस 10 में से प्लस का 9 जाएगा माइनस का और माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो गए माइनस प्लस का माइनस तो देखो आपका जी फॉर ग्रुप सी फॉर कॉमन इन दोनों का ग्रुप इन दोनों का ग्रुप बनाना इन दोनों में बिकॉज दिस 10 कम्स इन ए मल्टीपल डबल ऑफ 2 तो 2n आप कॉमन ले लीजिएगा n माइनस 5 इसमें 45 इट कम्स इन ए मल्टीपल डबल ऑफ 9 5 टाइम्स तो 9 आप कॉमन ले लीजिएगा इफ द फर्स्ट बाइनोमियल इज कमिंग नेगेटिव सेकंड विल कम ऑटोमेटिकली नेगेटिव अगर आप पॉजिटिव कर रहे हैं इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं देखो n माइनस अकॉर्ड क्योंकि प्लस 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 का प्लस और प्लस माइनस का माइनस इक्वल टू जीरो सी फॉर कॉमन यानी कि ये दोनों में कॉमन नाउ n माइनस 5
और आपका देखो 2n+9=0। एक बार आपका देखो a if n-5=0 तो ना देखो n=5 और b आपका ना देखो देखो 2n+9=0 आपका देखो 2n=-9 ये ओटी में चलेगा n=-9/2 ये आपका क्या कर देंगे आप इसको रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि n belongs to capital N is equal to आपका ना natural numbers आपका होता है तो मुझे क्या find out करना था देखो आपका ना what I have to find out n n is equal to आपका क्या आ गया सर 5 ठीक है on behalf of this n yes अब आप क्या करेंगे n is equal to a n का मतलब a 5 और a 5 is equal to आपका क्या होता है a plus 4 a is what a कितना है how much you have 2 a 2 n plus 4 into d is how much sir 8 आपका ना देखो दिस आपका 2 plus 32 इस इक्वल टू आपका ना दिस 32 जो a 5 आपका आएगा वो आपका क्या हो जाएगा 34 आ जाएगा आप इसके लिए यहां पे लास्ट में आंसर में ap इस इक्वल टू आपका फर्स्ट टर्म कितना 2 एम आई राइट और आपका देखो ना दिस ये 34 आपका आ गया एंड 34 कौन सा टर्म है इस इक्वल टू अब आप अपना आंसर देख लीजिएगा क्या आ रहा है आपका नाम देखो जैसे तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए करा है क्योंकि देखो आपका नाम है इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आ गया था और बाय द वे अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आता अब आप फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इज इट लेट्स डू इट